जय हिंद दोस्तों। कल भारत सरकार ने एक डिजिटल स्ट्राइक करते हुए टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयर समेत चाइना ओरिजिन 59 ऐप को बैन कर दिया। इन ऐप के सर्वर भारत के बाहर हैं और भारत की सिक्योरिटी थ्रेट को मद्देनजर रखते हुए इन ऐप को ब्लॉक कर दिया गया है। अब ना तो आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे और अगर इंस्टॉल किया है तो यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। इससे पहले भारतीय सुरक्षा विभाग ने चाइनीज ऐप की एक लिस्ट तैयार की और केंद्र सरकार को गुजारिश की कि इन ऐप को बैन कर दिया जाए, जिस पर अमल करते हुए कल इन ऐप्स को भारत सरकार ने बैन कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको इन सभी बैन हो चुकी ऐप के बारे में बताऊंगा, साथ ही ये भी बताऊंगा कि इनके बदले आप कौन सी ऐप यूज़ कर सकते हैं जो कि चाइनीज नहीं है। और यकीन मानिए, मेरे पास इन सभी चाइनीज ऐप का बेहतर विकल्प मौजूद है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये चाइनीज ऐप आपको डिलीट क्यों करनी चाहिए। तो ये वीडियो पूरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करो और व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडियन समय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे ये सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको मेरी फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, मैंने बैन हुई सभी ऐप्स को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जिससे कि आपको समझने के लिए इजी रहे। सो पहली कैटेगरी है ब्राउजर। ब्राउजर कैटेगरी में यूसी ब्राउजर, सीएम ब्राउजर, आपूस ब्राउजर, डीयू ब्राउजर, ये सब बैन हो चुके हैं। वैसे भी इनसे बेहतर ब्राउजर अवेलेबल है, पता नहीं लोग चाइनीज ऐप भी यूज ही क्यों करते हैं। इससे बेहतर है कि आप गूगल का क्रोम यूज़ करें, माइक्रोसॉफ्ट का एज, फायरफॉक्स, डकटक गो, ये गैर चाइनीज ब्राउजर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इंडियन ब्राउजर चाहिए तो आप जियो का जियो ब्राउजर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कैमरा या एडिटिंग की। इस कैटेगरी में यू कैम मेकअप, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, सेल्फी सिटी और ब्यूटी प्लस, ये सारे ऐप भी बैन हो गए। इनकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं कैंडी कैमरा, प्रिज्मा, स्नैपसीड, V612, ये सारी ऐप आप बिंदास यूज कर सकते हैं। और अगर आपको प्रोफेशनल एडिटिंग करनी है तो पिकार्ट, एडोब के फोटो एडिटर, एडोब फोटोशॉप एक्सप्रेस, ये सारी ऐप यूज कर सकते हैं। इन सब में आपको एडिटिंग के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। नेक्स्ट बैन होने वाली ऐप है वॉल्ट हाइट फोटो वीडियो, पैरेलल लैपो, ऐप लॉक, ये सारी ऐप फोन के फोल्डर्स या किसी अन्य तरह के डेटा को लॉक करने के लिए यूज होते थे। वैसे तो आजकल जितने भी फोन आते हैं उन सब में ये लॉक फीचर बाय डिफॉल्ट रहता है। फोन की सिक्योरिटी में जाइए और सेटिंग्स में आपको ये ऑप्शन आराम से मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको थर्ड पार्टी ऐप चाहिए तो आप कीप सेफ या फिर क्लोन ऐप का यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू अपनी फोल्डर या फोटोज या वीडियोस को लॉक कर सकते हैं। न्यूज कैटेगरी में यूसी न्यूज, न्यूज डॉग, क्यू न्यूज, क्यू क्यू न्यूज, ये सारे ऐप बैन हो गए हैं। वैसे तो भारत में जितने भी न्यूज चैनल हैं या न्यूज पेपर हैं, सभी के पास अपनी ऐप है जिसे आप यूज कर सकते हो। अगर आपको अल्टरनेट ऑप्शन चाहिए तो आप इन शॉर्ट, गूगल न्यूज, डेली हंट, इनमें वैसे कुछ भी आप डाउनलोड करो, सब में आपको न्यूज के ऑप्शन मिल जाएंगे। अब चलते हैं शॉपिंग कैटेगरी में। सो क्लब फैक्ट्री, अली एक्सप्रेस, रोमीवी, शीन जैसी चाइनीज शॉपिंग ऐप्स बैन हो गई हैं। अब आपने जो शॉपिंग इनसे कर ली वो कर ली, आगे से इनसे शॉपिंग मत करिएगा। इसके बदले आप अजीजो, उड़ान, लाइम लॉर्ड जैसी भारतीय ऐप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फेमस मिंत्रा, फ्लिपकार्ट या अमेज़न से भी शॉपिंग कर सकते हो, जो कि नॉन चाइनीज ऐप है। नेक्स्ट ऐप आती है कैम स्कैनर, जो कि बहुत ही यूजफुल ऐप थी। इसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते थे, बट इसके बैन होने के बाद भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप भारतीय ऐप जो कि है कागज स्कैनर यूज कर सकते हैं। या फिर आपको थर्ड पार्टी ऐप चाहिए तो एडोब स्कैनर या माइक्रोसॉफ्ट लेंस भी यूज कर सकते हैं। तो सर, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड एक और ऐप है जिसका नाम है WPS ऑफिस। आई नो यू, ये आपके लिए बहुत यूजफुल ऐप है, क्योंकि ये मोस्टली जितने भी एंड्रॉइड फोन है इसमें इनबिल्ट होकर आती थी। आप जितने भी PDF, Excel, Word की फाइल है, ये सब आसानी से यूज कर पा रहे थे। कोई नहीं, इसका अल्टरनेट भी अवेलेबल है, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड कर लीजिए। इसके थ्रू आप वो सारे काम कर सकते हैं जो आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में करते हैं, एक्सेल, PDF, वर्ड, सब कुछ काम करेगा। दोस्तों, एक्सेंडर, शेयर इट जैसी ऐप जिसके थ्रू आप बड़ी बड़ी फाइल्स वाईफाई से शेयर कर पाते थे, वो भी बैन हो गए। मैंने भी इन ऐप का बहुत यूज़ किया, क्योंकि इन ऐप्स के थ्रू फाइल शेयर करना बहुत आसान होता था। मुझे भी आपकी तरह अल्टरनेट ऑप्शन नहीं पता था, या शायद कभी मैंने इन चीज़ों को इस नज़रिए से देखा नहीं। एनीवेज, अब जब आप इनके विकल्प के तौर पे आप चाहते हैं तो जियो स्विच या फिर फाइल बाय गूगल जैसे आप यूज कर सकते हैं, जो भी वही काम करेंगे जो शेयर इट या एजेंडर करते हैं, आप फाइल आराम से ट्रांसफर कर पाओगे। दोस्तों, अगर किसी भी ऐप के आगे क्यू क्यू या DU लगाओ तो मैक्सिमम चांस होता है ये चाइनीज ऐप हो, जैसे कि क्यू क्यू लॉन्चर, क्यू क्यू मेल, क्यू क्यू म्यूजिक, क्यू क्यू प्लेयर, क्यू क्यू इंटरनेशनल, DU बैटरी,
डीयू रिकॉर्डर, डीयू क्लीनर, डीयू प्राइवेसी एंड डीयू स्टूडियो, ये सारे ऐप भी बैन हो चुके हैं जो कि चाइनीज थे। वैसे मुझे नहीं लगता इन ऐप्स को कोई भी यूज करता है, तो इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर भी अगर आपको इनमें से अल्टरनेट ऐप चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं उसका अल्टरनेट बता दूंगा। बस दोस्तों, आप सभी को एक सवाल आ रहा होगा कि जो ऐप मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, मुझे कैसे पता ये सारे ऐप चाइनीज नहीं है? तो दोस्तों, किसी भी ऐप का डिटेल जानने के लिए बस गूगल पर सर्च कीजिए और सर्च बार में जब आप उस ऐप का नाम लिखते हैं उसके विकिपीडिया पर चले जाइए। वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ऐप किसने बनाई, कब बनाई, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है एंड ऑल डिटेल्स, एवरी डिटेल विल बी देयर, सो आप उसके थ्रू चेक कर सकते हो। वैसे मैंने ये कंटेंट बनाने से पहले बहुत रिसर्च किया है, वीडियो देखकर आपको लग ही रहा होगा। सो अगर अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस लाइक बटन को प्रेस कर दो, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर दो, बाद में आप भूल जाओगे। चलिए दोस्तों, बैन होने वाली ऐप लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बैन होने वाली ऐप्स हैं बाइडू मैप, बाइडू ट्रांसलेटर, ES फाइल एक्सप्लोरर एंड वायरलेस क्लीनर। बाइडू मैप एंड बाइडू ट्रांसलेटर के बदले तो आप गूगल मैप या गूगल ट्रांसलेटर यूज कर सकते हो, जो कि वेल नोन वर्ल्ड क्लास क्वालिटी ऐप है। ES फाइल एक्सप्लोरर की जगह आप फाइल बाय गूगल यूज कर लो, एक तो गूगल ऊपर से ऐप की स्टोरेज भी कम लेती है। वायरलेस क्लीनर, वायरलेस क्लीनर की बजाय आप भारतीय विकल्प में आप जियो सिक्योरिटी या नॉन चाइनीज ऐप के तरह नॉर्टन मोबाइल सिक्योरिटी, क्विक हिल, कैस्पर स्काई, अवॉस एंटीवायरस, इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हो। वैसे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल के जितने भी मोबाइल आते हैं सब में एंटीवायरस बाय डिफॉल्ट रहता है। दोस्तों, नेक्स्ट लिस्ट आती है कुछ ऐसे ऐप्स की, जैसे क्लैश ऑफ किंग, मोबाइल लीजेंड, एमआई कम्युनिटी, एमआई वीडियो कॉल, हैगो, वाइबो, मेल मास्टर, ये सब भी चाइनीज ऐप हैं जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल थी, बट मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी ऐप आप यूज करते हो। अगर मैं सारी ऐप्स का अल्टरनेट एक्सप्लेन करने लगा ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बेटर है कि इन ऐप्स को छोड़कर हम इंपॉर्टेंट और ऐसे ऐप्स के बारे में बात करें जो लोग अक्सर यूज करते हैं। फिर भी अगर आपको इनमें से किसी ऐप्स के बारे में डिटेल चाहिए या उसका अल्टरनेट ऑप्शन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंशन कर दो, मैं वहां पर मैंशन कर दूंगा और जितने भी व्यूवर्स हैं वो वहां पर देख सकेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट आता है वीचैट। वीचैट एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं। वैसे तो भारत में इसका डाउनलोड बहुत कम है, बट अगर आपके मोबाइल में ये ऐप है तो तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए। इसके बजाय आप व्हाट्सएप यूज करो या फिर टेलीग्राम यूज कर सकते हो। अगर आपको फाइल बड़ी फाइल शेयर करनी तो टेलीग्राम यूज कर लो। दोस्तों, मैंने इतने सारे ऐप के बारे में बताया, बट आप सोच रहोगे कि अभी तक उस ऐप के बारे में नहीं बताया जिसके बारे में आप बहुत देर से वेट कर रहे हो। हाँ, वही ऐप। तो चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, बात करते हैं आपके फेवरेट कैटेगरी के बारे में, जो कि वीडियो मेकिंग या एडिटिंग। वीडियो कैटेगरी में बैन होने वाले चाइनीज ऐप हैं टिकटॉक, वाइगो वीडियो, कवाई वीडियो, हेलो, लाइकी, बिंगो लाइव, यू वीडियो, वी फ्लाई स्टेटस, माई टू स्टेटस मेकर, वी मेट, वीवा वीडियो एंड न्यू वीडियो स्टेटस। सी, कितनी सारी वीडियो मेकिंग ऐप हैं इनके पास। ये वो ऐप्स हैं जिन पर लोग शॉर्ट वीडियो बनाते थे या देखते थे। वैसे तो इन सभी तरह की ऐप पर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट फिर भी मैं इनका अल्टरनेटिव आपको बता देता हूँ। सो YouTube इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग का सबसे बेस्ट कंटेंट आपको YouTube पे मिलता है। बट अगर आप स्मॉल वीडियो बनाने या देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप भारतीय ऐप रोपोसो यूज कर सकते हैं, जिसका लुक एंड फील बिल्कुल TikTok की तरह है। इसके अलावा आप इंजॉय, टनाटन, चिंगारी, मित्रों या बोलवेंटे जैसी ऐप भी यूज कर सकते हो। या फिर अगर आपको भारत के अलावा नॉन चाइनीज ऐप चाहिए तो डब स्मैश, थ्रिलर या रिजल जैसे नॉन चाइनीज ऐप डाउनलोड कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट ऐप है जिसका यूज इन दिनों काफी बढ़ गया है, हम बात कर रहे हैं जूम मीटिंग या वी मीट ऐप के बारे में, जिससे आप बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ वीडियो कॉल या प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते थे। ये ऐप ऑनलाइन टीचिंग और वर्चुअल ऑफिस मीटिंग के रूप में काफी यूजफुल की जा रही थी, बट सिक्योरिटी रीजन की वजह से इस ऐप को भी बैन कर दिया गया है। कोई नहीं, इसके भी कई बेहतरीन अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे बेस्ट है कि आप गूगल मीट यूज करें, यह बहुत ही इजी टू यूज है। इस ऐप पर मैंने दो वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं जो कि आप इस आई बटन पर टच करके देख सकते हैं। मैं इन वीडियोस का लिंक, जो कि बेसिक एंड डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप चाहे तो वहां जाके भी आप उनको ओपन कर सकते हो। गूगल मीट के अलावा भारतीय ऐप में जियो मीट, से नमस्ते, सिस्को वेबएक्स जैसी ऐप का यूज आप कर सकते हो, तो जो कि काफी पॉपुलर है। दोस्तों, वैसे तो मैंने बहुत रिसर्च करके डिटेल से कर देती है ताकि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है, अभी लाइक करो। अगर आपको कोई जानकारी गलत या अधूरी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दो, जिससे हमारे बाकी व्यूवर्स भी उसके बारे में अपडेटेड रहें। एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो को अगर आप चाहो तो अनलाइक भी कर सकते हो,
बट कमेंट बॉक्स में पता जरूर देना कि अनलाइक का रीजन क्या है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो अनलाइक तो कर देते हैं बट कमेंट में लिखते नहीं, तो पता नहीं चल पाता कि हुआ क्या। ये तो वही बात होगी कि क्लास टेस्ट में टीचर ने मार्क्स काट लिए बट बताया नहीं कि आखिर स्टूडेंट की गलती क्या थी। अब गलती पता नहीं होगी तो सुधार कैसे होगा। ओके देन, वीडियो के एंड में हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये ऐप आपको अनइंस्टॉल क्यों करनी चाहिए। सो दोस्तों, जब हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो हमसे बहुत सारी परमिशन मांगती है, लोकेशन, माइक, कैमरा, स्टोरेज, और हम सारे एक्सेस को ओके देते हैं। ये ऐप्स बैकग्राउंड में आपकी सारी गतिविधियों पर नजर रखती हैं, जैसे आप कहाँ जाते हो, ऑनलाइन क्या सर्च कर रहे हो, फोन में कौन कौन सी ऐप्स यूज कर रहे हो, किस ऐप पे आप कितना टाइम स्पेंड करते हो, और इनफैक्ट आपके सोशल नेटवर्क साइट को भी एक्सेस कर पाती है कि आप उस पर क्या एक्सेस कर रहे हो। ये सारे डेटा का एआई के थ्रू कोई भी यूज या मिसयूज कर सकता है। आई एम श्योर आप नहीं चाहोगे कि चीन को ये सारे एक्सेस मिले। सो अगर इनमें में से कोई भी ऐप आपके मोबाइल में अभी भी इंस्टॉल है जिसको आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, फिर भी अगर इंस्टॉल है तो अनइंस्टॉल कर दीजिए। देश के हित के लिए इतना तो जरूर कर सकते हो। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। सारी जानकारी देने के चक्कर में थोड़ा सा लंबा हो गया है। आई होप इस वीडियो में आपको काम की इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज एक लाइक तो जरूर बनता है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी इन्फॉर्मेशन करिए।